सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एटमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी ने जो वैकेंसी निकाली है टीजीटी पीजीटी प्राइमरी टीचर्स की, उन वैकेंसीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन है, यानी आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। तो पोस्ट है वो पीजीटी की जो है उनके लिए पे जो है वो लेवल 8 में है सेवेंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और अपर एज लिमिट है 40 साल जो 7 अप्रैल 2018 को काउंट होगी। फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स के साथ, या इसके इक्विवेलेंट सीजीपीए हो अगर कहीं परसेंटेज की जगह सीजीपीए दिया जाता है तो, और इसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री है जो कई विश्वविद्यालय कराते हैं, जैसे रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी, वो भी एलिजिबल हैं, और साथ ही आपके पास बीएड डिग्री होना अनिवार्य है। तो इस तरह आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो इंटीग्रेटेड हो चाहे सेपरेट हो, 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। और इसके अलावा अगर आपने बीएससी बीएड या बीए बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है एनसीईआरटी कराती है और भी कई यूनिवर्सिटी कराती है बीए बीएड बीएससी बीएड, उसके बाद अगर आपने पीजी डिग्री क्या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की है 50% मार्क्स के साथ, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब एक नजर डालें अगर वैकेंसीज पर, तो इंग्लिश पीजीटी की एससी की एक वैकेंसी है और सामान्य की एक वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है 2। इसके लिए आप पीजी हो इंग्लिश में, एज ए सब्जेक्ट आपने इंग्लिश पढ़ा हो ग्रेजुएशन लेवल पे, और पीजी भी हो आप, साथ ही आप बीएड हो और इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपका बीएड में रहा हो। पीजीटी मैथ के लिए आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में, साथ ही आपने बीएड किया हो मैथमेटिक्स एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास रहा हो, और एक वैकेंसी है जो कि सामान्य के लिए है। पीजीटी फिजिक्स के लिए आप पीजी हो फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स, और साथ ही बीएड हो और आपने मैथ साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट बीएड में पढ़ा हो। वैकेंसी 2 है जिसमें एसटी की 1 है और सामान्य की है 1। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आप केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट हो और बीएड आपने कर रखा हो, साथ ही बीएड में साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। पीजीटी बायोलॉजी के लिए 2 वैकेंसी हैं जिसमें 1 सामान्य की है 1 ओबीसी की है। इसके लिए पीजी डिग्री हो आपके पास बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंसेज बायो साइंसेज जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी, साथ ही आपने जूलॉजी या बॉटनी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। उसके बाद आपके पास इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में पीजी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो बॉटनी या जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल में आपने 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, बॉटनी या जूलॉजी में जो भी है आपका 3 साल आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, और बीएड में साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। 2 वैकेंसी हैं इसमें, 1 सामान्य की है 1 है ओबीसी की, और साथ ही जो कैंडिडेट्स बीएड है स्पेशल एजुकेशन में वो एलिजिबल नहीं है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो आपके पास हिंदी में काम करने का अनुभव होना चाहिए, हिंदी में आपको काम करना आना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी कंपलसरी है, साथ ही हिंदी आपको आनी चाहिए। अब बात करें टीजीटी की एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, जो ग्रुप बी पोस्ट है लेवल 7 पे मैट्रिक 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, और अपर एज लिमिट है 35 साल जो कि 7 अप्रैल 2018 को काउंट होगी। इसके क्वालिफिकेशन आई है कि आपके पास 3 साल की बैचलर डिग्री हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, या फिर इसके इक्विवेलेंट सीजीपीए हो, और साथ ही आपने बीएड की डिग्री हासिल की हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर ये नहीं है तो आपके पास 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से या किसी अन्य संस्थान से जो कि रिकॉग्नाइज हो कम से कम 50% अंकों के साथ। पोस्ट जो है वो टीजीटी संस्कृत हिंदी की है, वैकेंसी 7 है, इसमें ओबीसी की 4 है सामान्य की 3 है। इसके लिए हिंदी या संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो 3 साल, साथ ही बीएड में हिंदी या संस्कृत एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास रहा हो। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 7 वैकेंसी हैं मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए, इसमें एससी की 2 एसटी की 1 ओबीसी की 2 सामान्य की 1 वैकेंसी है, और इसमें से 1 वैकेंसी पीएच के लिए रिजर्व है। क्वालिफिकेशन जो मांगी है उसके अनुसार आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कम से कम 2 साल आपके पास ये कॉम्बिनेशन रहा हो, साथ ही बीएड आपने मैथ या साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो, बीएड में आपके मैथ या साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट रहा हो। टीजीटी केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए 3 वैकेंसी हैं जिसमें एसटी की 1 वैकेंसी है,
और सामान्य की है दो। इसके लिए बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम दो साल तक रहा हो, साथ ही बीएड जो आपने की हो उसमें साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट रहा हो। यहाँ अदर क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं, तो जो कैंडिडेट्स बीएड स्पेशल एजुकेशन है वो आवेदन नहीं करें, उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। साथ ही कैंडिडेट्स के पास सीटेट पेपर सेकंड भी क्वालिफाई होना चाहिए, यानी 6 से 8 का जो सीटेट का पेपर है वो भी क्वालिफाई उनका होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का उनकी प्रोफिशिएंसी उनकी होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की, हिंदी संस्कृत को छोड़ के अन्य विषयों के लिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो हिंदी मीडियम में पढ़ाने का आपको अनुभव होना चाहिए और साथ ही कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं पीआरटी की यानी प्राइमरी टीचर की, तो इसके लिए पे जो है वो लेवल 6 में है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और एज लिमिट है 30 साल जो कि 7 अप्रैल 2018 को काउंट होगी। वैकेंसी 25 है, इसमें एससी की 1, एसटी की 3, ओबीसी की 8 और जनरल की 13 वैकेंसी है। इसके लिए आप 12वीं पास हो कम से कम 50% अंकों के साथ, और साथ ही आपने क्वालिफाई किया हो सीटेट पेपर फर्स्ट जो कि सीबीएसई आयोजित कराती है, और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, डीएड हो या फिर 4 साल की बीएलएड की डिग्री आपके पास हो, या फिर 2 साल की डीएलएड की डिग्री आपके पास हो, और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपने 10+2 में पढ़ा हो, यानी 12वीं में आपके पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट हो, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए। ड्राइवर क्वालिफिकेशन मांगी है कि आपको हिंदी में पढ़ाने का अनुभव हो और कंप्यूटर की आपको नॉलेज हो। अब इस वैकेंसी के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं, जो कैंडिडेट्स ऑल इंडिया सर्विस करना चाहते हैं, पूरे भारत में कहीं भी सेवा करने के चुके हैं, वही आवेदन करें, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। कैंडिडेट्स को रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद स्किल टेस्ट भी होगा उनका। वहीं जो एससी एसटी के कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे कैंडिडेट, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो 5 साल का दिया जाएगा एससी एसटी कैंडिडेट्स को, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 साल का दिया जाएगा, वुमेन कैंडिडेट्स को 10 साल का होगा, एईएस के जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं या रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको 5 साल का दिया जाएगा, जो पीडब्ल्यूडी हैं यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी उनको 15 साल, ओबीसी के हैं 13 साल, और सामान्य के हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करें रिटर्न एग्जाम के स्कीम की, तो पीजीटी के लिए 2 पार्ट में ये प्रश्न पत्र आएगा, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे हिंदी इंग्लिश के, 1 प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। वहीं 80 प्रश्न होंगे पार्ट सेकंड में, जो कि आपके करंट अफेयर्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट कंसर्न होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 होंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी के 10 होंगे, और सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका सब्जेक्ट है उसके होंगे 10। टोटल मार्क्स होंगे 100, क्वेश्चन होंगे 100 और टाइम लिमिट होगी 2 घंटे। सिलेबस जो है यूजीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा जो उसने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए निर्धारित किया है। वही बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी के लिए भी 20 क्वेश्चन आएंगे पार्ट वन में, इसमें हिंदी इंग्लिश के होंगे। वहीं 80 क्वेश्चन आएंगे पार्ट सेकंड में, जिसमें करंट अफेयर्स के 10, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10, टीचिंग मेथोडोलॉजी के 10, और आपके सब्जेक्ट जिसने आपने अप्लाई किया है जिसके लिए उसके होंगे 50 क्वेश्चन। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन होंगे और सिलेबस यूजीसी के अकॉर्डिंग होगा। वहीं प्राइमरी टीचर के लिए 20 क्वेश्चन आएंगे हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट के और पार्ट वन में, और पार्ट सेकंड में आएंगे 80, जिसमें करंट अफेयर्स के 10, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10, कंसर्न सब्जेक्ट के यानी इंग्लिश, हिंदी, मैथ एंड ईवीएस यानी एनवायरमेंटल हिस्ट्री के होंगे 50 क्वेश्चन और टीचिंग मेथोडोलॉजी के होंगे 10 क्वेश्चन। 100 मार्क्स का होगा और टाइम लिमिट होगी 2 घंटे। इसका सिलेबस एनसीईआरटी सीबीएसई के 10+2 लेवल का होगा। या एक बात और गौर करने वाली है कि जो कैंडिडेट्स पार्ट वन में यानी 20 क्वेश्चन जो होंगे 10-10 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश हिंदी के, उसमें हिंदी इंग्लिश में कम से कम 3-3 अंक लाता है और टोटल 7 अंक लाता है, 7 मार्क्स लाता है, उसके ही पार्ट सेकंड को चेक किया जाएगा, अन्यथा उसको चेक नहीं किया जाएगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो पार्ट सेकंड पर ही लागू होगी, पार्ट फर्स्ट पर लागू नहीं होगी। अब बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो सामान्य की वैकेंसी के लिए आपको कम से कम 50% अंक लाने होंगे एग्जाम में, और एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी के लिए कम से कम 45% अंक आपको लाने होंगे रिटन टेस्ट के पार्ट सेकंड में, उसके बाद ही आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पार्ट फर्स्ट जो है रिटन टेस्ट का वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, और वैकेंसी के 5 गुने कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा और गो एंड नो गो बेसिस पर ये आयोजित किया जाएगा। स्टेट सेंटर की अगर बात करें तो हैदराबाद, मुंबई, इंदौर और जमशेदपुर में आयोजित किया जाएगा। इसका जो शेड्यूल है वो aees.mahaonline.gov.in पर, और साथ ही AEES की जो वेबसाइट है www.aees.gov.in पर अवेलेबल होगा। स्किल टेस्ट जो होगा वो AEES सेंट्रल ऑफिस AECS 6 वेस्टर्न सेक्टर अणुशक्ति नगर मुंबई 400094 पर आयोजित किया जाएगा। कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट के लिए कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो एस सी एस टी कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाते हैं उनको TA दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फी जो है वो ₹750 है सामान्य कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी के लिए वुमेन एस सी एस टी और पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स को कोई भी फी पे नहीं करनी है।
आवेदन की अगर बात करें तो जो कैंडिडेट्स योग्यता निर्धारित रखते हैं वो aes.mahaonline.gov.in पर जाके वहां से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपके पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जब आपका फॉर्म भर जाए तब आप प्रिंट आउट निकलवा के उसमें अपना फोटो चिपका के रख लें, क्योंकि जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के समय तब आपको वो भरा हुआ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, साथ ही सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आपकी एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमी लेयर, फिजिकल डिसेबिलिटी इस इत्यादि के संबंध में होंगी। तो जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपकी जो आंसर की है वो AES की वेबसाइट www.aes.gov.in पर उपलब्ध होंगी, और अगर आपको उस पर आपत्ति है तो आप 72 घंटों के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और जब कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट के लिए आएँ तो अपना फोटो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके साथ लेके आएँ, और इस फॉर्म की लास्ट डेट 7 अप्रैल 2018 है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।